इंडिया एट मिनी टीम आ गई कृष्णा भंडार कोलकाता में, और ये शॉप है अपने सिंघाड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये शॉप काफ़ी पुरानी है, 50 साल से है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंकल जी से अपने लिए सिंघाड़े लगवाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसकी मेकिंग देखते हैं। मसाला देखो क्या क्या डालो मसाले में। ये मसाला में आपका बहुत कुछ है, इसका क्या है मेन है वजन। इसका हर रोज आप ही खा रहे हैं, 10 साल बाद खाइएगा तो यही स्वाद है। जब चालू हुआ था उस टाइम से अभी तक वही स्वाद है। हर चीज़ वजन है, मसाला, नमक, आलू, कोई भी चीज़ पीना जो डब्बा में भरा हुआ है तो उठा के ऐसे डालने का वैसा नहीं, तो पूरा वजन का है। इसीलिए इसका क्वांटिटी और क्वालिटी का जो है मेंटेन है पूरा। कितने का रहता है? ये 8 रुपये की है। कितने साल हो गए टोटल? 40 पार कर गया। तो इस मार्केट में पूरे आपके समोसे बिकते हैं? अभी समोसा में तो नंबर 1 है। आप अगर यहाँ का समोसा खा ले और अगर समोसे के शौकिया जो है आप हो चाहे और कोई भी हो, उसको तो याद जरूर आएगा जब मैंने वहाँ की समोसा खाया था, इतना गारंटी है। साथ में क्या क्या देते हो चटनी में? चटनी में नहीं, चटनी नहीं, ओनली फॉर समोसे। जो मसाले इसमें है वो आपको चटनी नहीं लगेगी, पूरा समोसे के स्वाद मिलेगी। टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 7 बजे आपको स्टार्टिंग है, आपको 7 बजे घड़ी देख के मिल जाएगा। और रात को 9 बजे का टारगेट रहते हैं। और दुकानदारी कैसे है, कभी 9 बज गया कभी 8:30 बजे ख़त्म हो गया, वो तो दुकानदारी के ऊपर है। ये तो ये अंकल जी वही समोसे के? हाँ, ये मैदा गोज किया हुआ है, ये 120 समोसे बनेंगे। ये गिनती का है, सब सारे गिनती का है। 150 पीस बनेंगे? हाँ, 150 बनेंगे जो एक, इसमें 150 पीस बनेंगे, 75 ऐसे गुच्छी, 75 पीस काटी जाएगी। तो एक दिन में कितने बना लेते हैं आप? अभी तो बाज़ार ख़राब है, लॉकडाउन के बाद से ख़राब चल रही है। 3-3.5 का एवरेज है। 3-3.5 हज़ार? हज़ार। भैया एड्रेस बता दीजिए। 52 बरतला स्ट्रीट, कलकत्ता 7। तो ये इनकी 150 समोसे एक साथ तैयार हो रहे हैं। ये आदमी को सुबह 7 बजे चालू होते हैं सिंगाड़ा, 9 बजे तक रात को गर्म मिले, कोई नहीं बोले कि ठंडा हो गया। तो सुबह से लगे होते हैं काम करते हैं यहाँ पे, तो 2-2.5 हज़ार समोसे बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये सिंगाड़े लगने जा रहे हैं मेरे लिए, 2 पीस लगा दीजिए अंकल जी। तो आप इसके अंदर कोई चटनी वगैरह नहीं देते हो? नहीं। अच्छा, सिंपल खाते हैं ये। तो देखते तो इन्होंने 2 सिंघाड़े लगा दी मेरे लिए, तो मैंने सोचा था साथ में चटनी भी देंगे, बट सिंघाड़े के साथ चटनी नहीं देते हैं। तो ये बोलते हैं जो असली टेस्ट होता है आलू का वो आना चाहिए, तो ये इसलिए चटनी देते हैं और थोड़े से मसाले वो इसके बीच में ही डाल देते हैं। तो इनके खुद के मसाले होते हैं और साइज़ देख सकते हो, ये मीडियम का साइज़ का और इसका प्राइस है 8 रुपीज़। तो समोसे तो मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं, एक बार सिंघाड़ा भी टेस्ट कर लेते हैं कोलकाता का। तो ये गर्मा गर्म सिंघाड़ा देख सकते हो, तो आलू को काफ़ी अच्छे से मैश किया हुआ है, बीच बीच में थोड़े से पीसेस रहने दिए इन्होंने, और मसाले देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डले हुए हैं इसमें, बहुत गर्म है। तो इनके आलू और मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, मसाले इनके बहुत ही अलग है। और ये देख सकते हो मटर डाले हुए हैं, आलू डाले हुए हैं और धनिया डाला है, काफ़ी सारे मसाले हैं। और जो कोलकाता का सिंघाड़ा होता है उसमें ये साथ में मूँगफली भी डालते हैं, बट ये इनका स्पेशल सिंघाड़ा है जिसमें ये मूँगफली डालते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आ जाओगे आपको गर्मा गर्म सिंघाड़ा खाने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कोलकाता में रहते हो या कोलकाता विजिट कर रहे हो तो यहाँ के सिंघाड़े एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। 8 रुपीज़ है इसका प्राइस। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।